हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आपका मेरे चैनल SVK फूड ब्लॉग से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाले सूखे आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनती है और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और इसको हम दही के साथ भी खा सकते हैं और पूरी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ऑयल लिया है 3 चम्मच और उसमें हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्ची। तो ये देखिए, हमने बारीक कट करके 2 से 3 हरी मिर्ची यहाँ पे ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक। अदरक को मैंने ग्रेट किया है, आप यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का। तो बस इनको थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर आलू। उबले हुए आलू डाले हमने यहाँ पर, बस आलू को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में, व्रत में बहुत ही अच्छे से खाई जाती है। तो ये देखिए, हमने आलू को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। ये आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, उसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए, अब इसको हम 3 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि जो मसाले हैं आलू के अंदर तक पहुंच जाए। और 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए, आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो चलिए एक बार आलू को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर डालेंगे ये रोस्टेड मूंगफली जो हमने दरदरी कूटी है। हमने इनको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं, पाउडर नहीं बनाया है, इसको हमने दरदरा पीसा है। तो ये देखिए, अब इसको मिक्स कर देंगे। रोस्टेड मूंगफली का जो पाउडर होता है, जिसको हम दरदरा कूट के डालते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू के अंदर। इसको आप ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। तो चलिए, अब मूँगफली डालने के बाद भी हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं ऐसे मीडियम फ्लेम पर और 2 मिनट बाद देखेंगे। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही बिल्कुल कम मसालों के साथ और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, विद मूंगफली बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आती है ये आलू के अंदर। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पत्ता। तो चलिए, सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।